चलिए खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। भरतपुर न्यायालय में तैनात एक न्यायाधीश पर 14 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा है। उसके बाद न्यायाधीश खुद पीड़ित बालक और उसकी मां को डरा धमका रहा है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तैनात डीएसपी परमेश्वर लाल को भी जज ने पीड़ित परिवार के पास भेजा, साथ ही जेल में डालने की धमकी दिलाई है। वहीं गृह विभाग ने परमेश्वर लाल को निलंबित कर दिया है। किस पे आरोप लगाए? कोई जुडिशियल अधिकारी है और इसके अलावा अब वो समझ वो जांच के बाद ही हो पाएगा ना प्रकरण? नहीं, एफआईआर जो दर्ज हो रही है। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, जब तक पुलिस नहीं बताएगी कि किस पे क्या कार्रवाई होनी है, किस पे क्या आरोप है, अब कोई किसी के बारे में कह रहा है जांच, जब तक पुलिस बताएगी। नहीं, मैं घुमा के बात नहीं कर रहा, सच्चाई है कि पुलिस बताएगी इस संबंध में पीड़ित जो है क्या कार्रवाई है। आप सीडब्ल्यूसी से है, पीड़ित आपके सामने आया कि नहीं आया? पीड़ित हमारे सामने आया ना। तो फिर मेरे बच्चे के साथ, ये जितेंद्र गोलिया जज हैं, ये भरतपुर में ही हैं, ये इन्होंने मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत किया है, बलात्कार किया है मेरे बच्चे के साथ। इसको डराया धमकाया और बोला कि तूने मुंह खोला तो तेरी माँ को, तेरे भाई को जेल भेज दूंगा, तेरी माँ जो तेरे साथ कर रहा हूँ वो तेरी माँ के साथ भी करूँगा। मतलब इस तरीके से इस बच्चे के साथ बहुत गलत किया।